उद्धव ठाकरे की शिवसेना सत्ता के लिए इतना अधिक महत्वाकांक्षा हो गई है कि अब उसके लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद विचारधारा का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। शिवसेना सत्ता पाने के लिए एक तरह से अपने विचारधारा को तिलांजलि दे चुकी है, जिसका मतलब इस बात से समझना चाहिए कि जो शिवसेना कभी गर्व से हुंकार भरकर कहती थी कि हाँ हमने बाबरी ढांचा तोड़ा है, वही शिवसेना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि की जीत पर नपे तुले बयान देकर अपने कर्तव्यों का इतिश्री करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम जन्मभूमि के पक्ष में आया तो शिवसेना ने खुले तौर पर स्वागत तक नहीं किया। हर्ष मनाना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि उसने अपने हिंदी मुखपत्र सामना के एक अंक में इस फैसले को भरपूर कवरेज तक नहीं दे सकी और अपने अंक में उसने सिर्फ खानापूर्ति ही कर दिया। शिवसेना उन पार्टियों से समर्थन की भीख मांग रही है जो हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद का मुखर विरोधी रहे हैं। एनसीपी के नेता शरद पवार का भगवान श्री राम पर दिया गया विवादास्पद बयान जग जाहिर है, तो कांग्रेस का रग रग हिंदू विरोध के लिए कुख्यात है। राम जन्मभूमि पर अपनी मंशा कांग्रेस ने मुखपत्र हेराल्ड में जग जाहिर कर ही दी थी। हमने अतीत के दस्तावेज इतिहास के पन्ने पलटकर उस दृश्य को भी देखा है जब भाजपा ने अपने विचारधारा को सर्वोपरि मानते हुए जनता पार्टी की सरकार से अलग हो गई थी। वही आज वर्तमान की नंगी आंखों से देख रहा है कि कैसे शिवसेना अपने विचारधारा को बेचकर सरकार खरीदने के लिए समझौते कर रही है।